100 डेज 1991 पर रिलीज हुआ हिंदी साइकोथ्रिलर फिल्म। इस फिल्म की जो मुख्य कलाकार है माधुर दीक्षित, जैकी श्रॉफ, मोहम्मद हुसैन और जावेद जाफरी। फिल्म की जो कहानी ऐसी शुरू होती है, हम देखते हैं कि देवी जो है माधुर दीक्षित को कुछ घटना की पूर्वावस देखती है। वो सपनों में देखती है कि उसकी बहन रोमा को एक आदमी गोली कर मार देती है। वास्तव में रोमा लापता हो जाती है और देवी को यकीन है कि उसकी बहन को किसी ने मार दिया है। देवी नहीं देखते, बट हम दर्शकों ये देखते हैं कि एक लड़की एक गाड़ी को फॉलो कर रही होती है और गाड़ी में एक इंसान है और वो इंसान एक घर में जाती है, वहाँ पर रोमा रहती है और रोमा को वो इंसान गोली कर मार देती है। ये सभी बात उस लड़की जो फॉलो कर रही होती है वो वीडियो कर लेती है। उस आदमी रोमा को एक हवेली में ले जाती है और उसे हवेली की दीवार पर दफन कर देती है। 5 साल बीत जाती है, देवी अपनी मामा की यहाँ चली जाती है। देवी के साथ परिचय होती है राम की। राम है जैकी श्रॉफ। राम एक धनी व्यवसायी है। देवी और राम शादी कर लेती है और राम देवी को एक हवेली में ले आती है। हवेली में आने के बाद देवी को कुछ एहसास होना शुरू कर देती है। देवी एक दिन हवेली की एक दीवार पर खड़ी होती है, उसे कुछ एहसास होती है। वो कुड़ाली लेकर उस दीवार को खोदती है, उसे एक कंकाल मिलती है। कंकाल की गले में एक नेकलेस होती है और इसकी हूबहू नेकलेस देवी के पास भी है। देवी को यकीन है कि ये रोमा है। यहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस कहती है रोमा जिस दिन से गायब है ये हवेली भी उस दिन से ही बांध पड़ी है। कहानी ऐसी चलती रहती है और देवी को और एक सपना आती है। देवी देखती है कि एक आदमी एक लड़की को चाकू मार कर मार देती है और उसे सपनों में ये भी देखती है कि एक घोड़े की चित्र वाली मैगजीन और एक हैंडेडली लिखा वाली एक वीडियो कैसेट। देवी अपनी इस सपने के बारे में अपनी दोस्त सुनील को कहती है, जो है जावेद जाफरी। दोनों मिलकर इस सपने को क्या सच्चाई है पता लगाना शुरू कर देती है। देवी को ये पता लगती है कि उसकी बहन रोमा एक कलाकृति का अध्ययन कर रही होती है और उसके पास बॉम्बे म्यूजियम की कुछ सामग्री का रिकॉर्ड था और म्यूजियम वालों ने जब रिकॉर्ड में हेराफेरी पाया था, म्यूजियम वालों ने म्यूजियम की गार्ड जगमान और रिकॉर्ड कीपर पार्वती को नौकरी से निकाल दिया था। पार्वती वही लड़की है जो रोमा की खून का वीडियो कर रहा था। देवी जगमान और पार्वती को फॉलो करती रहती है और एक दिन देवी देखती है कि जगमान पार्वती एक बातों को लेकर बहस कर रही होती है। पर पार्वती भाग जाती है और एक लाइब्रेरी में चली जाती है और उसके बाद जो वीडियो था उस वीडियो में 100 डे लिख कर चिपक देती है और उसको लाइब्रेरी में छुपा देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि देवी और जगमान की पार्वती के पीछे पीछे जाती है उस लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी के जाने के बाद जगमान पार्वती को चाकू से मार देती है। देवी ये सब कुछ देख जाती है और जगमान देवी को दिख जाती है। देवी जगमान से जैसे तैसे बात जाती है और उसे मिल जाती है 100 डे लिखने वाली वो वीडियो कैसेट। देवी उस वीडियो कैसेट को लेकर घर चली आती है और वो जब वो घर के आने के बाद वो राम के साथ बैठकर जब ये वीडियो चालू करती है, वो देखती है कि वीडियो में राम है। राम एक पिस्तौल लेकर रोमा को गोली कर रही होती है। ये देखने के बाद देवी चकित होकर रह जाती है, हैरान होती है और वो उसके राम सच्चाई बताती है। राम उसे कहती है कि राम की बचपन बहुत गरीबी में काटा है, जब वो बड़ी हुआ है वो ये सब कुछ कहना शुरू, वो पार्वती और जगमान के साथ मिलकर म्यूजियम के सामग्री को प्रचार करती थी और ये सब कुछ रोमा जान गई थी। वो सभी को ये बोलने वाली थी, इसकी वजह से राम उसे डरा धमका करने के लिए गए थी। पर यह पर जगमान भी गया था और जगमान रोमा को गोली कर दिया। राम अपने किया पर शर्मिंदा है, वो पुलिस के सरेंडर करना चाहती है। यह पर जगमान आती है और आकर देवी को माथे पर मार देती है और देवी बेहोश हो जाती है। राम उसे बचाना चाहती है, जगमान राम को भी चाकू मार देती है और हम देखते हैं कि जगमान देवी को जिंदा दीवार पर दफन कर देती है। और यहाँ पर देवी की दोस्त सुनील आती है हवेली पर। हवेली पर आने के बाद सुनील देखती है कि हवेली खाली पड़ी है। वो जब जाने ही वाली थी वो एक घड़ी की आवाज़ सुनती है जो देवी के हाथ में थी और ये सुनील उस घड़ी की आवाज़ को फॉलो करती हुई उस दीवार पर जाती है और वो जब दीवार की ईंट को खोलती है वो देखती है कि इस पर देवी है। यहाँ पर जगमान छुपा हुआ था, वो आती है और सुनील के साथ उसकी लड़ाई शुरू होती है। हम देखते हैं राम को होश चली आती है, राम देवी को बचा लेती है। पुलिस चली आती है और जगमान को अरेस्ट करती है और हम देखते हैं कि पुलिस राम को भी अरेस्ट कर ले जा रही होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर देवी दुखी होकर खड़ी रहती है। ऐसे ही समाप्त होती है इस फिल्म की। धन्यवाद।